जय श्री कृष्णा। तो फिर आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा। आप ये हलवा किसके लिए बना रहे हैं, हम ये थोड़ा सा जानने का विषय है। तो हमारे यहाँ एक बीच कोई छोड़ गया था, उसको भी बेचारे को, तो उसके बच्चे हुए छोटे छोटे, तो अभी वो जो है अभी भी हुए हैं। तो मैं सोचा कि जो है क्या बनाऊँ, और आज मकर संक्रांति का दिन भी है, तो मैंने सोचा कि मैं आज क्यों ना थोड़ा सा उनके लिए हलवा बनाऊँ। तो मैंने हलवा बनाने के लिए यूज़ किया है 1 कप आटा, क्योंकि बीच है तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है, तो उसके लिए ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसके लिए बच्चे के लिए दूध भी होना ज़रूरी है। 8 7 8 बच्चे हैं उसके, 7 7 7 पप्पीज़ हुए हैं उसके, और वो आज ही हुए हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं एक हलवा बनाऊँ। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये सब दिखा के मेरे को क्या मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो बेचारे कमज़ोर जानवर होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वो हमें, हम उनके लिए यदि कुछ कर, वो बेबस हैं उन, और इस हाल में तो देखिए हम लेडीज इतनी मजबूर हो जाती हैं, तो फिर भी वो तो बिच है, और ऊपर से उसके पास कोई सोर्स नहीं है कि भाई वो अपने भोजन के लिए कुछ व्यवस्था करे। तो इसलिए हम जैसे लोगों को, मतलब हम जो सक्षम लोग हैं, जो कर सकते हैं, वो जो है थोड़ा सा अपने खाने के हिस्से में से एक हिस्सा, चौथा हिस्सा ये समझ लीजिए, अगर आप उनको देंगे तो आपके घर में खूब बरकत होगी, खूब तरक्की होगी। तो मैं केवल मेरा इन वीडियो के माध्यम से केवल लोगों को संदेश देने का मकसद होता है, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। और मतलब अगर आप करें तो अच्छा लगेगा कि मतलब हम उन लोगों की दुआएं, उन जीवों की दुआएं जो बोल नहीं सकते हैं, और इन बेजुबानों की दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। ऐसे बेवकूफी वीडियो बना रही है, कुछ अच्छा तो बेटर कंटेंट तो लाती नहीं है कि जो हम सब्सक्राइब करें या ऐसे बोलते सब्सक्राइब करिए। आप मेरे वीडियोज को पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं सही बताऊँ तो मुझे ये सब काम करके बहुत खुशी मिलती है कि मैं ऐसे जानवरों को, जो कि बेचारे बेबस हैं, जिनका कोई नहीं है, तो हम जैसे लोग करते हैं तो उनको भी मतलब प्यार मिलता है, और जब प्यार मिलता है तो उसके बदले में वो कई करोड़ गुना हमें प्यार लौटाते हैं। तो मैं बस, मेरा मकसद यही होता है कि हम जैसे लोगों में से अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर 2 लोग भी इसको देखने के बाद ये सब काम करने लग जाएं, तो मेरे ख्याल से शायद धीरे धीरे 2 आज 2 होंगे, कल 10 होंगे, आगे जाके 1000 होंगे, 2000 होंगे, ऐसे करके सब लोग थोड़ा थोड़ा करें, तो सोचिए कि इन जानवरों का कितना भला हो जाएगा। और ये हमारी देसी ब्रीड है, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम चाहते हैं हमारी प्रकृति बैलेंस रहे, तो हमें उनके लिए जो है कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही चाहिए। अब देखिए, जगह जगह कितनी आपदाएं आ रही हैं, उसका रीज़न ये है कि हम ही मनुष्य उसके लिए जिम्मेदार हैं, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन आपदाओं से बचने के लिए थोड़ी दुआएं इनकी भी ले लें। बाकी देखिए, समय किसके लिए क्या रखा हुआ है, आगे समय के गर्भ में कोई पता नहीं। ये भून चुका है हमारा मनुष्य, अब इसमें आटा से भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, क्योंकि डॉग के लिए ऐसा, उसको कुत्तों को ज़्यादा मीठा नहीं, तो खुजली हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी चीनी डाली मैंने इसमें, ज़्यादा नहीं डाली। और फिर इसमें डालेंगे हम गर्मागर्म पानी, तो 2 गिलास के आसपास, और इसमें मैं डालूंगी, क्योंकि डॉग पीछे वो बिहाई है तो उसके आंतों को थोड़ा आराम के लिए उसके लिए थोड़ा सा इसमें 1 गिलास के लगभग दूध भी डाला जाएगा। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मुझे लगा कि जो है अच्छा बनाना चाहिए जानवर के लिए, जैसे हमें भी अच्छा अच्छा खाने का मन होता है, वैसे जानवर को अच्छा अच्छा बनाया जाना चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी पहल की, दुनिया में एक मैसेज जाए कि हाँ भाई, आजकल ऐसे लोग भी हैं जो अपने लिए तो करते ही करते हैं, अपना पेट तो सारी दुनिया पाल रही है ना, अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, लेकिन इन जानवरों के लिए, इन जो बोल नहीं सकते, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकते, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करें। तो बस मैं इस वीडियो से यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी ऐसे छोटे छोटे काम, ऐसे छोटे छोटे पुण्य कर्म करते रहें, ताकि
ताकि हमारा जीवन सुखी और समृद्ध रहे। कितने शौक से खा रही है मेरी काली, कितने प्यार से खा रही है। ये बन गया मेरी काली के लिए हलवा। अब कल इसके बच्चे दिखाऊंगी, क्योंकि इसके बच्चे ना अंदर झोपड़ी के अंदर घुसे हुए, काफी अंदर है ये। बच्चा क्या शौक से खा रहा है, खा बेटे खा खा खा। अच्छा बना है, खा लो खा लो, शाबाश शाबाश, सबको मिलेगा।